Narendra Sinha, PGD Commerce Vidya Harshan Public School. Now today we will take in chapter number 10, Government Budget and the Economy, Class 12 Commerce. Now, the budget is a very important tool for the government. Either it is a central government or a state government. Now today, we are more or less concerned about the meaning, chief features of the budget and objectives of the budget. Now, what is the meaning? The budgetary policy of the government is related to the revenue and expenditure. जो बजट जो है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से संबंधित है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंटेड टूल है दैट वी डिस्क्राइब द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. जो भारत सरकार की जो फिस्कल पॉलिसी है उसको मेंटेन करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है हमारे हाथ. व्हाट आर द चीफ फीचर्स एंड एस्टिमेटेड स्टेटमेंट. एस्टिमेटेड है जो संसद के अंदर रखा जाता है पूरे साल भर से पहले रखा जाता है कि नहीं साल शुरू होने से पहले हमें क्या करना है, कितना पैसा आएगा कितना पैसा जाएगा. नॉट इज प्रिपेयर्ड एनुअली, हर साल बनाया जाता है. इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, ये संवैधानिक जरूरत है इस देश की कि आप बिना प्रोजेक्ट के ये देश को नहीं चला सकते. प्लान अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव. गवर्नमेंट का जो प्लान है, गवर्नमेंट का जो प्लान है जो राष्ट्रपति अपने अपने अभिभाषण के अंदर बहुत सरकार के कार्यक्रम को बताते हैं, तो सरकार का जो कार्यक्रम है उसके ऊपर ही बनाया जाता है बजट. बजट के अंदर सरकार के सारे कार्यक्रमों को बनाया जाता है. नाउ बजट इम्पैक्ट द इकोनॉमी थ्रू द एग्रीगेट फिस्कल डिसिप्लिन एंड रिसोर्सेज आर एलोकेटेड. हमें रिसोर्सेज कितने एलोकेट करने हैं और फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब होता है सरकार को अपने खर्चे कम करने हैं और रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करना है और अपनी आमदनी को बढ़ाना है. दिस इज व्हाट द बजट इज. कि सरकार अपनी आमदनी नहीं बढ़ाएगी तो प्रॉब्लम है, सरकार अपने खर्चे कम नहीं करेगी तो प्रॉब्लम है, तो हमें इस चीज को मैनेज करना है. नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स. हमारे बजट का लक्ष्य क्या है? रिड्यूसिंग इनइक्विटीज इन इनकम एंड वेल्थ. आज इस देश में 130 करोड़ लोग हैं करीबन और हर ग्रुप में, हर जगह, हर कम्युनिटीज में इनइक्विटीज हैं इनकम और वेल्थ में. उनकी आर्थिक परिस्थितियां और आर्थिक गतिविधियां अलग अलग हैं और हमें इन आर्थिक परिस्थितियों को बदलना होगा, उनको इक्वल करना होगा. हम बजट के माध्यम से कर सकते हैं, अलग अलग बजट देंगे. बजट के अंदर हर आदमी के लिए, हर कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ होगा ताकि उनकी आर्थिक परिस्थितियां सामान्य हो सके और उन्हें हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दे सकें. सेकेंड इज री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. नाउ री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कि हमें रिसोर्सेज किस तरह से एलोकेट करना है ताकि हम सोशल वेलफेयर नाउ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. हमें बजट इस तरह से देखना है कि देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सके. नाउ सोशल वेलफेयर की जहां तक बात है, हमें लोगों की सहायता के लिए हमें उनको वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इस तरह के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी कोई स्कीम्स, तो वो सोशल वेलफेयर. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स दैट वी शुड अवॉइड द डिप्रेशन एंड वी शुड मूव द इकोनॉमी सो दैट वी कैन गो फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ. नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ दिस कंट्री बाय पब्लिक एंटरप्राइजेस. खुद गवर्नमेंट अपने पीएसयू यूनिट चलाती है, पीएसयू, ताकि सरकार खुद सामान बना सके, सरकार खुद नौकरियां दे सके, सरकार खुद मैनेजमेंट आ सके, ताकि एक्टिव पार्टिसिपेशन खुद सरकार की मदद करती है. पब्लिक यूनिट देती है. नाउ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? दैट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना. टू प्रमोट सेविंग्स एंड
savings and investment. Okay. Now this is what the objectives of the budget is, and it should be maintained while